अच्छा जी, मेहनत कर हसद ना कर, ये आपका टॉपिक है। तैयार है? इजाजत लीजिए और शुरू कीजिए। सर इजाजत, बिस्मिल्लाह करें बेटे। हासद हसद की आग में खुद ही जले, वो शमा कैसे बुझे जिसे रोशन खुदा खुद करे। सदर अली वकार, हसद हसद वो फितना है जो इंसान को दीमक की मानिंद अंदर से आहिस्ता आहिस्ता चाट जाता है, और मेहनत मेहनत तो वो बैसाखी है जो इंसान को जमीन की धूल से उठा के आसमानों की फिजाओं में ले जाती है। सदर अली वकार, हसद वो जहर है जो इंसान पीता खुद है लेकिन मरने की तवक्को किसी और से करता है, और सदर आली वकार, मेहनत तो वो खजाना है जिसमें तमाम फतेह लोगों की फतेह पोशीदा है। सदर आली वकार, हसद क्या है क्या है? सदर आली वकार, हसद वो था जो कर्बोवला की तपती रेत पर यजीद ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अनहु से किया। सदर अली वकार, हसद तो वो था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे किया। अरे अरे, हसद तो वो था जो जो ताइफियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका खून छलका कर किया। सदर अली वकार, ये हसद है जिसने काबिल को कातिल बना दिया, ये हसद है जिसने फिरौन को इबरत बना दिया, ये हसद है जिसने हजारों साल सजदे करने वाले को इबलीस बना दिया, और ये हसद ही है सदर अली वकार, ये हसद ही है जिसने आज के इंसान को हैवान बना दिया। जरा कहानी के दूसरे रुख पर आऊंगा। सदर अली वकार, मेहनत को बयान करता हूं। मेहनत वो गुलाब है जिसकी ताजगी हमेशा बरकरार रहती है। मेहनत को कुछ इस तरह किसी ने क्या खूब बयान किया है कि मेहनत, इंसान जब पानी से नहाता है वो महज कपड़े बदलता है, और जो शख्स पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। सदर अली वकार, इन आंखों ने तारीख को बदलते देखा। सदर अली वकार, इन आंखों ने तारीख को बदलते देखा। 1947 में जब कायदे आजम मोहम्मद अली जीना ने ये वतन हासिल किया तो वजह सिर्फ मेहनत 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 थी। सदर अली वकार, जब कर्बोबला की रेत पर, कर्बोबला की तपती रेत पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत का जाम नोश किया तो वजह मोहब्बत मोहब्बत और मेहनत थी। सदर अली वकार, ये मेहनत ही थी जिसने उमर को फारूक कर दिया, ये मेहनत ही थी जिसने अबू बकर को सिद्दीक कर दिया, ये मेहनत ही थी जिसने उस्मान को गनी कर दिया, ये मेहनत ही थी जिसने अली को शेर कर दिया, अली को शेर कर दिया। जब ही तो बेसाख्ता मेरे मुंह से निकलता है, मेहनत कर हसद ना कर, हसद ना कर, यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिश के फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया।